हैं सोहबत अल्लाह वालों की, अल्लाह से मिलवा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की। इज़ शम्सु कुवरत وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت। अल्लाह ने कयामत का नक्शा खींचा है, सूरज लपेट के रख दिया जाएगा यानी बेनूर कर दिया जाएगा, सितारे गिरने शुरू हो जाएंगे, पहाड़ चलने शुरू हो जाएंगे, इमारतें टूटनी शुरू हो जाएंगी और जंगल के वहशी जानवर इंसानों की तरफ आना शुरू हो जाए। मैंने अर्ज किया था कि हदीस में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला सूर फूंकने का हुक्म देंगे, उस सारी अलामात गुजर जाने के बाद जो अहादीस के अंदर बयान की गई, अल्लाह फैसला करेंगे कि अब दुनिया को तोड़ देना है, फना के घाट उतार देना है। हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ने सूर देके बिठाया हुआ है और वो सूर मुंह में लिए बैठे हैं कि जो ही हुक्म होगा मैं फूंक डालूं। अल्लाह ने इस फरिश्ते को और किसी काम के लिए नहीं पैदा किया है, उसका सिर्फ यही काम। मालूम नहीं कब अल्लाह ने उस फरिश्ते को बुलाया, कितने हजारों हजार साल गुजर गए, उसका सिर्फ ये काम है कि सूर लिए बैठा है, फूंकने का हुक्म होगा तो फूंकेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोगों ने पूछा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बड़े गमनाक दिखाई देते हैं, आपके चेहरे अनवर के ऊपर ऐसा लगता है कि गम सवार है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं कैसे इत्मीनान से बैठ सकता हूं जबकि इस्राफील सूर लिए फूंकने को तैयार बैठे। जब अल्लाह का हुक्म होगा वो फूंकेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया चल रही होगी, खाना पीना चल रहा होगा, बाजार खुले हुए होंगे, लोग देख रहे होंगे, चल रहे फिर रहे होंगे, कुछ लोग बाहर होंगे घरों के, कुछ लोग अंदर होंगे घरों के, सारी दुनिया इसी तरह काम काज में मशगूल होगी। अल्लाह ताला हुक्म देंगे सूर फूंकने का और सूर फूंका जाएगा और ये आवाज शुरू होगी जंगलात के एरिया से। जंगलात में आवाज शुरू होगी, धीमे धीमे शुरू होगी और फिर बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ऐसी बढ़ती जाएगी कि कुरान करीम ने उसके लिए लफ्ज साखा इस्तेमाल किया है, फैजा जात साखा। साखा के माने आते हैं ऐसी जबरदस्त तो कड़क आवाज के कानों में पड़े तो इंसान हार्ट फेल हो जाए, कान फट जाए, उसके होश आवाज बरकरार में रहे, ऐसी जबरदस्त किस्म की आवाज वहां से शुरू होगी। नतीजा होगा कि जंगल के जानवर जंगला छोड़कर शहरों की तरफ आना शुरू कर डालेंगे और चूंकि आवाज एक तरफ से नहीं आ रही होगी, हर तरफ से आएगी, तो हर तरफ के जानवर शहरों की तरफ आएंगे और फिर वो आवाज भी उनके पीछे चली आएगी, यहां तक के शहरों में आबादियों में आवाज आएगी, लोग उसको सुनते रहेंगे, बेहोश होते रहेंगे और फिर मरते चले जाएंगे, जानवर भी मर जाएंगे, इंसान भी मर जाएंगे और ये सारी के सारी कायनात टूट जाएगी, फूट जाएगी, फना हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। जिसका नक्शा अल्लाह ने खींचा, इज़ शम्सु कुवरत وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت। और आयतें भी हैं, ये वो आयतें हैं और वो सूरतें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से बाद सहाबे किराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको देख रहे हैं कि आपकी उम्र के लिहाज से आपके बाल दाढ़ी के जल्दी पक गए। उस जमाने में 60 बरस में बाल का पकना जल्दी शुमार होता था, आज के दौर में तो जल्दी नहीं है ये, आज के दौर में 40 हो गए, 40 के बाद ना पके तो लोग पूछने लगे कि भाई क्या उम्र है आपकी, बाल क्यों नहीं पके। लेकिन वहां का माहौल ऐसा था और वो जमाना ऐसा था
कि उस जमाने के अंदर 60 बरस पर बाल पके तो लोगों को ताज्जुब होता था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के कुल बाल जो आपकी दाढ़ी और सर में सफेद हो गए थे, बाद सहाबा ने उसको गिना तो वो 22 बाल थे, बाद लोगों ने गिना तो वो 23-24 बाल थे। दार बातें गिनने में कुछ ऊंच नीच तो हो ही जाएगी, तो किसी ने 22 कहा, किसी ने 25 कहा, किसी ने 30 कहा। ये चंद बाल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक में और आपके सर मुबारक के अंदर पक गए थे। हजरते सहाबा को ताज्जुब होने लगा कि या रसूल अल्लाह, आपके बाल इतना जल्दी पकने शुरू हो गए, ये क्या बात है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शय्यबतनी हूत व अखवातुहा। सूरे हूत की जैसी और सूरतों ने मुझको बूढ़ा बना दिया।